ऑनलाइन क्लासेस में सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश, हमारा इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। नंबर आगे देखेंगे, नियम नंबर 3 है, यदि किसी संज्ञा का नाउन का अंतिम अक्षर वाई हो और उससे पहले कोई वॉवेल आए यानी स्वर आए तो उसका बहुवचन बनाते समय एस लगाकर बहुवचन बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉय का बॉयज, टॉय का टॉयज, ट्रे का ट्रेज, डे का डेज। देखो सब में अंतिम वर्ड वाई है और वाई से पहले सब में स्वर आ रहा है। देखो वाई से पहले ओ, वाई से पहले ओ, वाई से पहले ए, वाई से पहले ए, तो सब में एस जुड़ जाएगा। नियम नंबर 4 देखेंगे, यदि नाउन के अंत में ओ आए तथा ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो तो एस लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। एज यानी जैसे मैंगो, पटाटो, टमाटो। देखिए सब में अंतिम अक्षर ओ आ रहा है, देखिए ओ आ रहा है और ओ से पहले व्यंजन आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है यानी सिंगुलर से जब प्लूरल बनाएंगे तो ईएस लगा देंगे। जैसे मैंगो का मैंगोज, पटाटो का पटाटोज, टमाटो का टमाटोज। नियम नंबर 5 देखेंगे, यदि संज्ञा का अंतिम अक्षर ओ आवे तथा ओ से पहले कोई वॉवेल आवे यानी स्वर आए तो एस लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे रेडियो, बैम्बू और कुक्कू। देखो रेडियो ओ, अंतिम अक्षर ओ आ रहा है, ओ से पहले स्वर आ रहा है आई, ओ से पहले ओ आ रहा है स्वर, ओ से पहले ओ आ रहा है स्वर, इसलिए हम एस जोड़ देंगे, एस जोड़कर बहुवचन बना देंगे। रेडियो का रेडियोज, बैम्बू का बैम्बूज, कुक्कू का कुक्कूज। नंबर 6, कुछ नाउन्स का प्लूरल बनाते समय नाउन के अंत में ईएन या आर्यन जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ऑक्स है, इसमें ईएन जोड़ देंगे, ऑक्स का ऑक्सन कर देंगे, चाइल्ड बच्चा होता है, चिल्ड्रन कर देंगे, इसमें आर्यन जोड़ देंगे बच्चे। नियम नंबर 7, शब्दों के संक्षिप्त यानी शॉर्ट रूप के अंत में छोटा एस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं यानी हमें छोटा एस लिखना है, स्मॉल लेटर्स लिखना है। एस जैसे बीए, तो देखो इसके एस लगा दिया छोटा, बीएससी छोटा एस जोड़ दिया इसमें, पीसीए, पीसीए देखो एस छोटा जोड़ दिया इसमें, एमएलए एस छोटा जोड़ दिया, आईएएस इसमें भी छोटा एस जोड़ दिया, आईपीएस आईपीएस इसमें भी छोटा एस जोड़ दिया, यानी संक्षिप्त रूप के साथ में हम एस जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। आज के वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। सभी भैया बहनों से आग्रह है कि इस वीडियो को बार बार देखें और अपनी होमवर्क की कॉपी में इसको राइट और लर्न करें। धन्यवाद।